ऐसा ही एक देश है जिसे ना तो प्यार की भाषा समझ में आती है और ना ही उस पर किसी की डांट का कोई असर होता। कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद के मुद्दे पर अपने 25 मिनट के भाषण के दौरान 12 बार पाकिस्तान को डांट लगाई थी। एक प्रकार से ट्रंप ने 25 मिनट में 12 बार पाकिस्तान को तलाक 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 कहकर पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा किया था। लेकिन पाकिस्तान इतना बेशर्म देश है कि उसे किसी की परवाह नहीं है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो किसी नए स्टोर रूम के उद्घाटन की तस्वीरें नहीं है, बल्कि लाहौर में आतंकवादी हाफिज सईद की राजनीतिक दुकान की औपचारिक ओपनिंग सेरेमनी है। आतंकवादी संगठन जमात उद दावा ने हाल ही में मिल्ली मुस्लिम लीग के नाम से एक नई पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया है, जिसका मकसद पाकिस्तान को पूर्ण रूप से इस्लामिक देश बनाना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान में जगह जगह हाफिज सईद की आतंकवादी विचारधारा वाली दुकानें खोली जा रही हैं। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पाकिस्तान की सरकार सोई हुई है, शायद इसलिए क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका से हुए औपचारिक तलाक के बाद पाकिस्तान ने अपने प्यारे आतंकवादियों के साथ निकाह कर लिया है। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट किया है, लेकिन हाउस अरेस्ट होने के बावजूद वो मिल्ली मुस्लिम लीग के आतंकवादियों के साथ संपर्क कर रहा है और अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए रणनीति बना रहा है। लाहौर के लक्ष्मी चौक पर मिल्ली मुस्लिम लीग के सोशल मीडिया ऑफिस के इनॉग्रेशन की तस्वीरें इस बात को साबित करती है। इस ऑफिस में हर प्रकार की सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। हाफिज सईद की पॉलिटिकल पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग की अपनी खुद की वेबसाइट है। वो फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव है। इसके अलावा मिल्ली मुस्लिम लीग ने अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया और इसके 800 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इस यूट्यूब चैनल पर आतंकवादी विचारधारा का प्रचार करने वाले 28 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और इन वीडियोस को 36,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। अब हम आपको इन्हीं 28 वीडियोस में से दो ऐसे वीडियोस दिखाएंगे जिनमें हाफिज सईद का असली एजेंडा छिपा हुआ है। पहले वीडियो का शीर्षक है पाकिस्तान का मतलब क्या, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस वीडियो में कश्मीर घाटी के पत्थरबाजों और बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों को हीरो की तरह पेश किया गया है। ठीक इसी तरह दूसरे वीडियो को रिवाइवल ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के तौर पर बेचने की कोशिश की गई है। इस वीडियो में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का दुश्मन बताया गया है, जबकि पाकिस्तान को इस्लामिक देश बनाने के साथ साथ वर्ष 2020 तक भारत पर कब्जे की कस्में भी खाई गई। इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपत्तिजनक और भड़काऊ हैं, इसलिए हमने उन बातों को काट दिया। लेकिन इससे हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों का असली मकसद एक बार फिर सामने आ गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। छोड़ ताल्लुकदारी को, जाग अल्लाह से रिश्ता जोड़। तुझ में है खालिद का लहू, तुझ में है तारिक की नमो। शेर के बेटे शेर है तू, शेर बन और मैदान में आ, शेर बन और मैदान में आ। पंजाब बलोची और पठान, मिल जाना शर्ते ईमान। लेके रहेंगे हिंदुस्तान, हुक्म नबी मनशाए खुदा, हुक्म नबी मनशाए खुदा। और ये भी एक विडंबना ही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर अलग अलग आतंकवादी संगठनों को पालपोस कर बड़ा करने का आरोप लगाते हैं और पाकिस्तान ऐसे किसी भी संगठन की मदद से साफ तौर पर इनकार करता है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ये कहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर का बहाना बनाकर आतंकवादियों की मदद करता है, लेकिन पाकिस्तान को इससे भी फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की नजरों में हिजबुल मुजाहिदीन जैसा संगठन और सैयद सलाहुद्दीन जैसे आतंकवादी स्वतंत्रता सेनानी, वो भी तब जब खुद अमेरिका ने इन दोनों पर प्रतिबंध लगाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान ने कसम खा ली है वो किसी की भी बात नहीं सुनेगा। आज हमारे साथ पाकिस्तान से हमारे पास जो तस्वीरें और मीडिया चैनल्स के डिबेट्स की रिकॉर्डिंग्स आई हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए और अब वो पूर्ण रूप से एक आतंकवादी देश बनने की दिशा में आगे बढ़ गया है। और इस तरह पाकिस्तान में आतंकवादी हाफिज सईद की राजनीतिक दुकानदारी शुरू हो गई। ये लाहौर में
हाफिज सईद की मिल्ली मुस्लिम लीग पार्टी के ऑफिस के उद्घाटन की तस्वीरें हैं। आतंकवादी सोच का प्रचार प्रसार करने के लिए लाहौर के लक्ष्मी चौक पर सोशल मीडिया ऑफिस का भी उद्घाटन हो चुका है। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे का सच ये है कि हाफिज सईद अब न सिर्फ पाकिस्तान को पूर्ण रूप से इस्लामिक देश बनाकर नफरत का एजेंडा चलाना चाहता है, बल्कि उसने तो साल 2020 तक भारत पर कब्जा करने के सपने देखने भी शुरू कर दिए हैं। और इसके लिए ताम दाम दंड भी हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, छोड़ ताल्लुकदारी को जाना शर्ते ईमान, लेके रहेंगे हिंदुस्तान हुक्मे नबी मंशाए खुदा। पाकिस्तान के आतंकी अब हाईटेक हो गए हैं और इसीलिए हाईटेक एक्सपर्ट्स की मदद से हाफिज सईद के गुर्गे अब पाकिस्तान की नसों में दहशत वाली विचारधारा का प्रसार करना चाहते हैं। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका ने पाकिस्तान से औपचारिक तलाक का ऐलान कर दिया है। शायद यही वजह है कि अब पाकिस्तान ने अपने प्यारे आतंकवादियों से बिना किसी देरी के निकाह भी कर लिया है। पाकिस्तान सारी दुनिया के सामने बेइज्जत हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को ऐसी फटकार लगाई है कि सारी दुनिया के सामने उसकी इज्जत तार तार हो गई। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान से उन करोड़ों अरबों डॉलर्स का हिसाब भी मांगा है जो वॉरन टेरर के नाम पर उसने पाकिस्तान को दिए हैं। इतनी बेइज्जती के बाद भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान से मांग कर रहा है कि वो अपनी जमीन पर फल फूल रहे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सबसे मुफीद जगह है। पाकिस्तान में आतंकवादी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर वोट मांग रहे हैं। हाफिज सईद की पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग पाकिस्तान के शहरों में अपने दफ्तर खोल रही है और पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर एक आतंकवादी की पार्टी के नेताओं की तकरीरों और उसकी खबरों का प्रसारण किया जा रहा है। हल्का NA-120 का इंतखाबी मार्का और मिल्ली मुस्लिम लीग भी मैदान में आ गई। उम्मीदवार मोहम्मद याकूब शेख ने टेम्पल रोड पर इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान का मीडिया मिल्ली मुस्लिम लीग से जुड़ी खबरों को ऐसे दिखा रहा है जैसे कि अब यही पार्टी पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी। एक तरफ पाकिस्तान की सियासत में आतंकवादियों की पार्टी अपनी जड़ें जमा रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी लगातार पाकिस्तान पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए सीधे सीधे ये आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में उन आतंकवादी संगठनों को शरण मिल रही है जो अफगानिस्तान में शांति नहीं चाहते हैं। Pakistan and the U.S. historically had very good relationships, but over the last few years there's been a real erosion in the confidence between our two governments. There's been an erosion in trust because we have witnessed terrorist organizations being given safe haven inside of Pakistan to plan and carry out attacks against U.S. servicemen, U.S. officials, disrupting peace efforts inside of Afghanistan. Pakistan must adopt a different approach, and we are ready to work with them to help them protect themselves against these terrorist organizations, but certainly to begin to end their attacks that are disrupting our efforts at peace. Pakistan has also sheltered the same organizations that try every single day to kill our people. We have been paying Pakistan billions and billions of dollars at the same time they are housing the very terrorists that we are fighting. But that will have to change, and that will change immediately. No partnership can survive a country's harboring of militants and terrorists who target U.S. service members and officials. It is time for Pakistan to demonstrate its commitment to civilization, order, and to peace. America पिछले 16 वर्षों से अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा है। अफगानिस्तान जैसे बेहद दुर्गम इलाके में उसके हजारों सैनिक फंसे हुए हैं। तालिबान के आतंकवादी अमेरिकी सैनिकों के अहम ठिकानों पर हमले करके पाकिस्तान के सीमांत इलाकों में शरण ले लेते हैं और इसी वजह से अमेरिका पाकिस्तान से नाराज है। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के सामने तालिबान के खिलाफ जंग का दिखावा करता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तालिबान के हिमायती आतंकवादी संगठनों को चुनाव लड़ने का मौका दे रहा है। आतंकवादी हाफिज सईद का रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की पाकिस्तान मिल्ली मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को टिकट बांट रहा है। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत
नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत का गढ़ तो है ही, साथ ही इसे आतंकी हाफिज सईद के प्रभाव वाला इलाका भी माना जाता है। हाफिज सईद की आतंकवादी पार्टी इस वक्त पाकिस्तान के सत्ताधारी दल को खुलकर चुनौती दे रही है। मेरे अजीज भाइयों, आप जानते हैं पाकिस्तान के साथ बड़ा सानहा बीता। मुस्लिम लीग नून का सदर आनंद फानंद झटके में फारिग हो गया, बेचारा चार पांच दिन से रो रहा है। पांच जजों ने एक मिनट में फारिग कर दिया। अब सच्ची बात है कि पाकिस्तान जैसे अजीम इस्लामी मुल्क को फारिग तो नहीं छोड़ना चाहिए था मैदान को। सो अल्लाह के फजलो करम से वो पहचानते हो इस चेहरे को, ये मेरा भाई प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद। लेकिन पाकिस्तान को शर्म कहां आती है? पाकिस्तान की सेना तो हमेशा ही अमेरिका के सामने नौकरों की तरह पेश आती है। अमेरिका के राष्ट्रपति की डांट सुनते ही पाकिस्तान की सेना ने एक बयान जारी कर ये बताया कि कैसे उसने हर तरह से अमेरिकी सरकार की मदद की है। पाकिस्तान में जितने भी इलाके थे वो सब हमने क्लियर करा लिए हैं। देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर अब ये डिबेट हो रही है कि कैसे अमेरिका सरेआम उनके मुल्क को बेइज्जत कर रहा है और पाकिस्तान की सरकार लाचार है, कुछ भी नहीं कर पा रही। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर देते रहे लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को पनाह दी। अभी भी पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है। उन्होंने इक्तिसादी पाबंदियों की धमकी लगा दी है जनरल जिया के दौर से कि जो अमेरिकन पॉलिसी अडॉप्ट की, अमेरिकन पॉलिसी पे चलने की हमने कोशिश की और अपनी प्रायोरिटीज को हमने सेट नहीं किया। ये तमाम नुकसान जो हम आज भुगत रहे हैं ये उसी वक्तों का, उन्हीं वक्तों का भुगत रहे हैं। जनरेशन हमारी इसमें जो है वो डैमेज हुई है। गवर्नमेंट को किसी न किसी तरीके से ये बताना चाहिए था कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इतनी संगीन स्टेटमेंट जिसमें पाकिस्तान का तस्करा बहुत बुरे तरीके से हुआ है, उस पर हमारा रद्दे अमल क्या है। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता पाकिस्तान की सरकार से जवाब मांग रहे हैं और पाकिस्तान में सरकार चला रहे मुस्लिम लीग नवाज के नेता सारी मुसीबत की जिम्मेदारी पाकिस्तान के तानाशाह जनरलों के सिर पर डाल रहे हैं। किया के पिछली गलतियां हुई हैं, अमेरिका के सामने खड़ा होना चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। जनरल जिया के दौर में, मुशर्रफ के दौर में ना लेटा जाता। मैंने तो कहा है कि आते हमने खुद खराब किए हैं, हमने खुद डू वॉर की आदत डाली है उन्हें। जिसने हमें पैसे दिए हैं वो कहेगा कि हमने पैसे दिए हैं। अगर उनकी कौम ने पैसे दिए हैं तो किस किस ने पैसे लिए हैं, वो किस मकसद के लिए लिए गए हैं और कितना नुकसान हमारा हुआ है, जरा उसका भी हिसाब करने जिसका कोई इररिपेरेबल लॉसेज, हजारों जाने कुर्बान हमने किए हैं इस जंग में। आज के वक्त में पाकिस्तान के सामने मुसीबत ये नहीं है कि वो अपने देश की तरक्की के लिए क्या करे, बल्कि सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि आखिर वो किस तरह अमेरिका की मांगों को पूरा करे। तो 16 साल की तारीख ये बताती है कि डू मोर की कोई लिमिट नहीं है। इसकी क्या गारंटी है कि तेजी फला जगह कोई तालिबान है उनकी सेफ है? मैंने हम अमेरिका के कहने पे उनको मार देते हैं, निकाल देते हैं, कोई जमानत है कि ये आखिरी होगा, ये फिर कुछ नहीं होगा, वो फिर होगा। जो हमने कुर्बानियां दी हैं उनका एतराफ चाहिए। चुनाचे हम अमरीका को बताते हैं आपके सिपाही तो वहां पे 16 साल में इतने मारे गए, हमारे 80,000 लोग मारे गए। आज पाकिस्तान के इस हालत का जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने कभी अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया। पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों का स्वर्ग है। हाफिज सईद नजरबंद है लेकिन उसका रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की पाकिस्तान में मिल्ली मुस्लिम लीग के जलसों का आयोजन कर रहा है। जमातु दावा में हाफिज सईद के बाद अब्दुल रहमान मक्की की हैसियत नंबर 2 की है। अब्दुल रहमान मक्की को पाकिस्तान में भारत के खिलाफ उसके भड़काऊ भाषणों के लिए जाना जाता है। राउंड खत्म नहीं हुआ, वो साजिशों का राउंड था, ये जिहादों का वार है। इंशाल्लाह चलेगा, दिल्ली दुल्हन बनेगा, भारत बिखरेगा, गुरदासपुर हुशियारपुर मिलेगा, फिरोजपुर तेरा बनेगा। इस साल जनवरी महीने से ही हाफिज सईद पाकिस्तान में नजरबंद है। हाफिज सईद को नजरबंदी से रिहा करवाना ही मिल्ली मुस्लिम लीग का अहम मकसद है। हाफिज सईद ने यह पार्टी भी इसीलिए बनाई है ताकि बैलेट के पीछे वो अपने खूनी हाथ छुपा सके और दोबारा रिहा हो सके। मिल्ली मुस्लिम लीग पाकिस्तान में खुलकर अपना एजेंडा चला रही है। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद जो मुस्लिम पाकिस्तान है, जो कश्मीरियों के मसीहा है, उनको सातवीं बार
نظر بند کیا گیا. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میدان سیاست میں کھڑے ہوتے ہیں. امریکہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی دیش کا نام پاکستان ہونے سے اس دیش میں پوترتا نہیں آ جاتی. اگر پاکستان کو قابو میں کرنا ہے تو امریکہ کو سخت قدم اٹھانے ہی ہوں گے. بیورو رپورٹ، زی میڈیا. یہاں ایک چھوٹی سی بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. چاہے امریکہ کے پورا راشٹرپتی براک اوباما ہو یا جارج ڈبلیو بش، اب تک کسی بھی امریکی راشٹرپتی نے افغانستان یا پاکستان سے سمبندھت پالیسی سے جڑے بھاشن میں بھارت کا ذکر نہیں کیا تھا. اور اسی لیے ٹرمپ نے جو بیان کل دیا اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب جلد ہی پوری دنیا کی راجنیتی میں بڑے بدلاؤ دکھائی دیں گے. جانکاروں کے مطابق ٹرمپ